प्रशासन गरीबों के हित के लिए नई नई योजनाएं बनाती है, लेकिन क्या उन योजनाओं का लाभ लोगों को हकीकत में मिल पाता है या नहीं देखा जाता है। बड़वानी जिले का पहाड़ी अंचल में बसा ग्राम कोटबांधनी में आदिवासी गरीब मजदूर लोग रहते हैं। कोटबांधनी में कुल 300 परिवार रहते हैं। कोटबांधनी में पिछले एक साल से न तो बच्चों को आंगनवाड़ी का पोषण आहार मिल रहा है, न ही बच्चों का टीकाकरण किया गया है। कोटबांधनी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत सिमलेट में है, जो कि हमेशा बंद रहता है। यहाँ टीका लगाने आओ लो। नहीं आए। दवा पाओ नहीं? दवा पाओ नहीं अभी नहीं आए। कतरक दाढ़ा ही जो नहीं आए? कतरक दाढ़ा और जेट लाग ली करी ना आई उन्हें। बीमार पड़ जाए यामो सेवट निजाजे दात क्रिया में ते सेवट सरकारी दात कर नहीं आए सकता। हमारा गांव में अभी नहीं आता, कभी भी बीमार पड़ जाए ज़्यादा कम हो जाए। रात को भी हम बूट करें, स्पेशल बूट करें, ककड़ान जा जाए, ककड़ाने रहें दही 1000 में गाड़ी करें जा जाए। गाड़ी नहीं ठीक बड़ाने नहीं आवड़े, दही नहीं ठीक है जाते बड़वानी दी जा जाए, बड़वानी बता जाए, बड़वानी होते हैं परावट भी कहाँ रहें पैसा करें देखा जाए। हम सरकारी में भर्ती कर जाए, नहीं तो हमारे चाहे दात करावे, नहीं कहीं कोई टीकाकरण करने आवे। मैं चाहता हूँ कि कोटबांधनी में गरीब आदिवासी मजदूर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जिससे कि वो समय पर बीमारों का इलाज कर सके। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप भी हमारी मदद करें। जनपद पंचायत पार्टी के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर श्री ओपी कदम, जिनका मोबाइल नंबर है 9993449592, पर कॉल कर दबाव बनाए। मैं पवन सोलंकी, ग्राम कोटबांधनी, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।